तो फर्स्ट पेज पे ऐसा करते जाओ, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे वहाँ पे सिलेबस लिखना है कि जीएस में क्या क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा फास्ट, ठीक है। शेयर डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट इज द दिल्ली गवर्नमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर का यही है सबसे ऊपर। इसको एक लिंक कर सकते हैं अपन, न्यूज़पेपर का हर एक न्यूज़ कहीं पे भी तो भी सिलेबस को लिंक होगा, इवन एडवर्टाइजमेंट भी लिंक होगा, वो तुमको डिस्ट्रिक्ट करना है। ये कहाँ पे लिंक होगा, GS4 में एक टॉपिक है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। दिस इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड फॉर द एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, दैट इज वन पर्सनल गेन, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ इतना देख लेना, तो ये तुमको एग्जाम्पल पता चाहिए कि ठीक है ये सारे गवर्नमेंट उनके पर्सनल एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, खर्चा कर रहे हैं, जो कि पब्लिक फंड है, जिसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और ये कौन देखेगा बाद में, कैग का एक ऑडिट है जो बैकग्राउंड देखता है कि उसका सेंसिबल है या नहीं उसका एक्सपेंडिचर। कौन सा ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है। तर नुसतं हे पण लिंक होतं, हा मुळात जर का लिंकिंगच जर का पाहिजे झालं ना तर मी तुम्हाला तेच म्हटलं की एक ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे अख्खा सिलेबस होऊन जातो। आता इथे काय काय, डायबिटिक, दिस इज डायबिटिक नथिंग बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो 70% ऑफ द डेथ इन द इंडिया फ्रॉम द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और द एक्सपेंडिचर इन द कम्युनिकेबल वेयर द 25% डेथ आर हैपनिंग। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज निग्लेक्टिंग दिस। वाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एनसीडी इज कमिंग? बिकॉज ऑफ द अर्बन लाइफस्टाइल। How? Because of the enhanced service sector. Why not in the rural? ठीक है, because of their lifestyle. Here, there definitely climate change having the one of the, ठीक है, issue. Second is your habit of food. ठीक है, then you are neglecting the physical work, sports. ठीक है, indoor sports. Here in the rural areas, outdoor sports. यहाँ पे क्या, घर का काम करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, मेड। यहाँ पे क्या है, घर पे खुद को करना है, दैट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज वन। सो नेक्स्ट थिंग इज अ टर्म प्लान। टर्म प्लान इज नथिंग बट व्हाट, इंश्योरेंस। सो दिस इज रिलेटेड विद द न्यूज़पेपर GS3। सो इंश्योरेंस, वेर इज लो अवेयरनेस विद इन द सोसाइटी, ठीक है, अबाउट द इंश्योरेंस। सेकंड, इफ इट इज हैविंग द इंश्योर सोसाइटी और इंश्योरेंस from the central or any government, then disbursement of the fund. Next issue, disbursement. Best example is the PM Kisan Yojana, ठीक है। और next best example is the during the time of the COVID health insurance scheme, ठीक है। That means and second is the only 2 to 3% people are insured under these schemes. That means this is nothing but lack of awareness. लॅक ऑफ अवेअरनेस, ठीक आहे। सो असं कुठलेही तुम्ही सांगा ना त्याला मी लिंक करून दाखवू शकतो, कुठली ॲडव्हर्टाइजमेंट असो काही असो, तिथनं तुमचा सिलेबस बाहेर येतो। मग फक्त एवढं याला लय वेळ लागतो मग, हां मग ते तर आता पुढे दाखवणारच आहे। हां मी येणार होतो की याच्यावरती, हां असं अशा बऱ्याच गोष्टी येतात काढता। हां मग देन नेक्स्ट इज दिस इज प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन, दिस इज कम्प्लीटली प्रायव्हेटायझेशन। सो प्रायव्हेट वर्सेस पब्लिक, then the GIC, general insurance company, only one reinsurance company, then the LIC role, ठीक आहे। तुम्हाला कुठं फिरायचं आहे त्याच्यावरती आहे। फक्त माझं एवढंच वाटतं की मला सुरुवातीला तुम्ही खूप फिरा, एक पहिले 1-2 महिने, मग काय होतं तुम्हाला माहित होऊन जातं की हां आपल्याला आता कुठूनही काही जमतं, मग फक्त तुम्ही पलटवायचे बाण। याचा सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टन्स होतं तुम्हाला, म्हणजे बेनिफिट होतो तो म्हणजे एसएमध्ये मग तुम्हाला हेच फिरवायचं आहे ना असंच, ठीक आहे। चालू करायचं नेक्स्ट, याला तर मग मी तुम्हाला दिवसभर सांगू शकतो एक एक न्यूज, ठीक आहे। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट न्यूज इज दिस, गेहलोत गवर्नमेंट ट्रान्सफर्स ₹146 crore aid to children, says we take up good work started by others. This is also related to your newspaper syllabus GS2. that is the schemes of the central and the state government, its implication on the society, benefits, drawbacks. ठीक है, this is the syllabus point. GS2 even in the GS3 governance. ठीक है, so state related scheme you should know. लेकिन इसका कुछ काम है क्या? नहीं, तुमको क्या पता चाहिए सिर्फ if any better scheme of the any state government which you can write as a example or the case study, like Mohalla Clinic of the Delhi, Kudumbashree of the Kerala. ठीक है, any initiative, any case study, any scheme. So this only statement is important for your ठीक है examination. Next, SPMLS unhappy, कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो इसको. ये जगन्नाथ विकरनाथ कैंसल. ठीक है, then 50 more lower courts in the Odisha become paperless. That means it is important. This is a e-governance. It is completely mentioned in your syllabus, e-governance in the GS3 and GS2 as well, because today's newspaper or today as Supreme Court started after the this summer break. ठीक है, where they are going towards the paperless acceptance of the e-governance in the society, and central government also declared crores of thousands of the crores of the amount is actually saved because of the e-governance practice. So e-governance and related then issues, its acceptance, its awareness, digital divide, availability of infrastructure, these all are the issues related with the e-governance. ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे पास? दिस इज अ सेकंड एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल. बाकी कुछ काम है क्या? नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए तुमको. यहाँ से ये हो गया, ये बीजेपी वोट एक्सेप्ट, कुछ काम का नहीं है. ठीक है, उसके बाद विल स्टेज मैसिव स्टर, कुछ काम का नहीं है. ये तमिलनाडु फ्लैग शॉर्टेज इन द शेयर ऑफ कावेरी रिवर, इज इट इंपॉर्टेंट? यस, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड विद योर फेडरलिज्म. देयर इज अ सेपरेट ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A and B. ठीक है, ट्रिब्यूनल्स. So yes, that means this is important one. But नीचे कुछ काम करें, तुम्हारे पास क्या चाहिए? हेडिंग, that is Kaveri issues is going on the mains question can ठीक है emerge on the Kaveri issue, and even the prelim question recently in the EPFO or in the last paper of the UPSC, they asked that particular dispute is going on between the two states. Which are the two states from the following? रिवर वाटर डिस्प्यूट, क्योंकि रिवर वाटर डिस्प्यूट पर्टिकुलर स्टेट के बारे में है, कावेरी हो, गोदावरी हो, ठीक है, महानदी वाला हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेट के बीच में ही है, तो कौन कौन से स्टेट वहाँ पे इन्वॉल्व है, उन्होंने पूछा था. और एमपीएस में या स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही पूछा है. दैट मीन्स यू शुड नो. फारसा महत्वाचा कंटेंट नाही मिळत, नाही ते हां, कारण की काय हे पॉलिटिकल न्यूज राहते. हां, मोस्टली दीज आर द पॉलिटिकल न्यूज. ठीक है, पॉलिटिकल हॅपनिंग, समथिंग गोइंग ऑन विद इन द स्टेट, दॅट इज अ because of their aspirations. So content is not so much important, only the topic is the important. Yes, Kaveri related dispute is there. ठीक है, and what are the provisions in our constitution for the resolution of this dispute? It is a threat to the federalism, for the even the unity and integrity of the nation. ठीक है, and provisions related with these water tribunals. There is a separate act for the water related disputes. ठीक है, तो यहाँ से ये उठाना है तुमको, टॉपिक उठाना है कि जो सिलेबस से लिंक होगा. न्यूज तुमको सिर्फ पता होने के लिए चाहिए कि हाँ ये चल रहा है अभी न्यूज में. ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये तो कुछ काम का नहीं है. नेक्स्ट, दिस आर द एडिटोरियल्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. सो अभी ये क्या, ये तो कंटिन्यूएशन में हो गया. अजित पवार न्यूज, दैट इज अ महाराष्ट्र स्टेट पॉलिटिक्स न्यूज, इज इट इंपॉर्टेंट? नो. ठीक है, फ्रॉम द एडिटोरियल कुछ काम का नहीं अपने पर. ठीक है, नेक्स्ट, क्लियरिंग द वाटर, पोर्टेबल वाटर, ये काम का है. यस, डेफिनेटली, बिकॉज हियर जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री. ठीक है, 2024, दैट इज हर घर जल. ठीक है, ये सारा, और यहाँ पे डेटा भी है कि अभी तक अपने कितना अचीव हुआ, almost 75% from the government point of view. 71, it is only received as 64 to 65. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ऐसे कनेक्ट करना है हर घर जल. अभी दिस इज अ कंप्लीटली वाटर रिलेटेड इशू, एंड वाटर इज मेंशन इन योर सिलेबस. ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन. सो इट इज अ ड्रिंकिंग वाटर इश्यू एंड विद द ड्रिंकिंग वाटर यू कैन लिंक व्हाट हेल्थ. ठीक है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हेल्थ. ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको पढ़ा जा सकता है. लेकिन बाकी डेटा तुम्हारा काम का है क्या? कुछ नहीं. वहां पे सिर्फ क्या दिया होगा? फैक्ट्स दिया होगा. वहां पे क्या दिया होगा कि गवर्नमेंट ने X% अचीव किया है, Y% अचीव नहीं किया है, उनको इतना साल लगा. ठीक है, और जितना बचा है Y% उसको अचीव करने के लिए इतने साल लगने वाले हैं, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, ये नहीं हुआ. गवर्नमेंट का डेटा ठीक है उतना रिलायबल नहीं है. बस इतना ही दिया होगा. इसके बाद में कुछ दिया होगा क्या? नहीं, फिर छोड़ देना. ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको पढ़ना भी. नहीं तो तुम क्या वर्ड टू वर्ड पढ़ते बैठोगे. वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना किसी को. वर्ड करता ही लगा. ठीक है, मैं इधर दिखा दो तुमको. ठीक है, नाउ द दिस आर्टिकल इन शॉर्ट म्यूटिनी द टर्निश ऑफ द पुतिन्स ऑरा ऑफ पावर. सो दिस आर्टिकल इज कंटिन्यूसली कमिंग इन द न्यूज़पेपर सिंस द लास्ट 1 ईयर. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये कुछ काम का है अपने? इज इट एनी रिलेवेंस फॉर द इंडिया? ये पूरा नीचे का कुछ काम का नहीं है. वहां पे क्या चल रहा है, वो कैसे टैकल कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है. ठीक है, अपने कुछ काम का है क्या? कुछ काम का नहीं है. अपने काम का क्या है? रशिया रिलेशन. यहां से क्या मिलेगा? रशिया रिलेशन. ठीक है, इज इट वीक? दिस इज नथिंग बट व्हाट? वीकनिंग ऑफ द रशिया. इज इट द वीकनिंग ऑफ द रशिया इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल फॉर द इंडिया? वीकनिंग रशिया is beneficial for the for India. ठीक है, who is supporting to the Russia? Majorly China. That means China is getting stronger one. ठीक है, earlier there were the two centers of the power, bipolar world. ठीक है, Russia and the USA. Now Russia is declining. ठीक है, because of this affairs China is increasing. Is India can rely on the China as a second major superpower in the world? Is USA reliable as a superpower or the friend for the India? Because USA in the past utilized a particular nation's strategy for the personal gain and the benefit. Best example is the Middle East and the Central Asia. ठीक है, Afghanistan is a ongoing example. So is it both are the reliable player? And is Russia reliable player for the India in the past? Yes, definitely. There is the highest importance of the Russia for the India in terms of the defense. Recently ऑयल इंपोर्ट. ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? रशिया, बायपोलर वर्ल्ड, और मोस्टली फ्रॉम द फॉर द ऑप्शनल पेपर एंड द GS2 IR. तो इसको वैसे लिंक करना है. हाउ चाइनाज राइज इज इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल और द नॉट बेनिफिशियल फॉर द इंडिया वगैरह, ये सारी चीजें. नेक्स्ट इज अ इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नाटो प्लस बेट. क्या ये इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. और मेजरली तुमको पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा ही मिलेगा. ठीक है, इकोनॉमिक सोशल न्यूज बहुत कम मिलेगा न्यूज़पेपर में. इसके लिए बाकी सोर्सेज इसीलिए पढ़ना पड़ता है. पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा यही से मिलेगा. तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? नेटो. तो इसको कोई अलग है क्या सामने? चलो इसको ही देख लेते हैं. ठीक है, नेटो वाला. सो हाउ टू एनालाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक नाउ इन अ डिटेल. ठीक है, नेटो आ गया. अभी नेटो को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? इट्स फॉर्मेशन. कब फॉर्म हुआ? फॉर्मेशन हुआ तो इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है और इसका पर्पस भी इंपॉर्टेंट है. सो पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? ठीक है, टू टैकल द रशिया लेड सेकंड ग्रुप वॉरसॉ. ठीक है, तो उसका पर्पस भी इंपॉर्टेंट है. अभी इसका पर्पस क्या है? पहले नेटो था. नेटो का कितना है? फॉर्मेशन, डेट, उसके बाद में यहाँ पे मेंबर्स. कितने मेंबर्स है? 31. ठीक है, रिसेंटली 31 मेंबर्स इन द नेटो. व्हाट इज द नेटो प्लस नाउ? नेटो प्लस, हु आर द मेंबर्स ऑफ द नेटो प्लस? दैट इज अ 5 मेंबर्स. साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इजराइल. 5 मेंबर्स इन द नेटो प्लस. ठीक है, ये हो गया इसके रिलेटेड फैक्ट्स. सो रिसेंटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेटो? नॉट टू टैकल ओनली द रशिया, टू टैकल द चाइना एज वेल. ठीक है, चाइना. एंड इट इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अलायंस कंप्लीटली. इट इज अ सिक्योरिटी अलायंस, डिफेंस अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस. सो नाउ द क्वेश्चन केम, डू इंडिया नीड टू ज्वाइन और टू द नेटो प्लस ग्रुप? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, एक शुड ज्वाइन और नॉट. ठीक है, तो अभी इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ज्वाइन करने से? रेडीमेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट इंडिया को मिल जाएगा, इट इज अ रेडी सिक्योरिटी अरेंजमेंट. ठीक है, दैट मीन्स विथ दिस देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर. ठीक है, डिफेंस, डिफेंस वाला जो हेल्प है वो भी मिल जाएगा, डिफेंस सपोर्ट, डिफेंस एप. ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल सपोर्ट एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक द यूएन वगैरह, बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका भी सपोर्ट फ्रॉम द नेटो. ठीक है, नेटो मेंबर्स. उसके बाद इंडिया का बाकी जो एस्पिरेशंस है दैट इज अ रीजनल एस्पिरेशंस कैन फुलफिल, इन्वेस्टमेंट कैन कम लिंक विद द इकोनॉमी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन कम. These are the certain benefits of the joining a particular organization. What are the drawbacks? Autonomy will be affected. Definitely, that we are promoting this idea. India supporting a non-alignment movement. Whereas, if we are joining the NATO, that means we are completely aligned one. So we are diverting our core principle of the international relation, international policy. ठीक है, now we are supporting the issue-based alliances, and on the issue-based alliances we are giving equal what or we are maintaining the balance between the Russia as well as the USA, balance between the USA as well as the China. But this issue-based alliances will completely disintegrate. ठीक है, this is the second. Third, if we are joining the NATO as a group, what about our reliable partner the Russia? ठीक है, in the neighborhood we are creating the enemies like then the Russia and the China. If we are the NATO member, then we are creating the enemies, and this China is our next neighborhood. ठीक है, that means it is completely threat to our territorial integrity and the sovereignty. That is a Doklam issue. Then the Arunachal Pradesh issue. So in this way you should link a particular topic with the syllabus and it should analyze in the different format. But then what is the solution? Do we need India join or is there any separate? So it is a completely diplomacy. It should be a diplomatic victory for the India. That is a India should follow the issue-based alliances. This is a solution, issue-based alliances. That is a non-interference. ठीक है, equal respect. Or view. Next, what can be the other measures? What should be the India's policy towards dealing with this one? That is a maintaining or our Article 51, following the Article 51 of the Indian Constitution, that order of the world. ठीक है, it should be based on the complete international politics based on the order which is set by the international governance institution like United Nation. ठीक है, so in this way a particular topic you should analyze in detail, but it is majorly related with the IR. We cannot link it with the other parts of the GS. ठीक है, so कोई और होगा तो उसको देखते हैं. Then next, this is a stockade before the global stockade. ये क्या है? This is related with the environment. ठीक है, कहाँ पे आया था ये? Paris Agreement. ठीक है, after 2023, after every 5 year, they will analyze the achievements and the some drawbacks in the policies of the particular nation to restrict the global temperature rise to the 1.5 degree Celsius to the 2 degree Celsius. Now how we can analyze this environment? So अभी यहाँ पे तुम देखो. So this environment is linked with the multiple issues. This is linked with the IR. This is linked with the health. Environment तो है ही है वैसे तो, ठीक है, एनवायरमेंट इशू. अभी आईआर में कैसे एनालाइज होता है एनवायरमेंट? दैट इज अ इंडियाज रोल एज अ पेरिस एग्रीमेंट दैट होल वर्ल्ड एक्नॉलेज द इंडियाज लीडरशिप. सेकंड, इंडियाज अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, ये भी इंडिया का अचीवमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट ये भी है, अभी इंडिया प्रमोट भी कर रहा है. ठीक है, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड वो फंड एंड द टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये भी हो गया. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द आईआर पर्सपेक्टिव. फ्रॉम द हेल्थ, एनवायरमेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ बिकॉज व्हाट, बोथ कम्युनिकल डिसीज एंड द नॉन कम्युनिकल डिसीज. बेस्ट एग्जांपल इज अ दिस ब्रोंकाइटिस वगैरह, लंग्स रिलेटेड डिसीज. ठीक है, बिकॉज ऑफ द राइज यहाँ पे क्या, दिल्ली केस ऑफ द हेल्थ रिलेटेड डिसीज ऑफ द लंग्स कैंसर वगैरह, ये सारी चीजें. देन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट दैट इज अ डिजास्टर्स. ठीक है, सो हाउ डिजास्टर्स वी कैन लिंक ग्रोइंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग एनवायरमेंट, ग्लोबल क्लाइमेट वगैरह, ये सारी चीजें. नेक्स्ट, हाउ वी कैन लिंक दिस एनवायरमेंट विद द अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग हीट आइलैंड. So it is found that the average temperature in the urban areas is so much greater than the rural areas because of the availability of the this non-availability of the this complete trees and the forest cover and greater concretization of the this urban land. So this is related to urbanization, and urbanization related problems is mentioned in your syllabus. That is the GS1. One में भी है, three में भी है. Problems related to urbanization. So this environment topic you can link with the multiple aspects of the and last is a ethics. How we? Ha, definitely. So in the economy, so there is a report of the United Nations or and the World Bank that for the sustainable development, if you invest a particular dollars, that it can fetch a higher amount of benefits rather than investing on the health and other related aspects expenditure. ठीक है, and best example is the Singapore and this Bhutan model of the sustainable development. So that is also linked with the economy then expenditure. ठीक है, तो समझा. ठीक है, how we can link this with the ethics, environment and the ethics. Our personal values of environmental sustainability. ठीक है, do we are accepting now it is completely world is divided between the west versus east or majorly developed versus the developing one. They are not accepting their historical responsibility. Are they acting as a matured player in the world affairs? No, it is completely based on the their values. Why? Because of the capitalism. Why? Because it is linked with the greed. That means to whom we can bring here? Immanuel Kant. We can bring the Gandhi. ठीक है, and their idea is completely based on the Bentham utilitarian approach. So present environment divide between the developing and the developed countries is completely based on the utilitarian approach. Their approach is the Bentham oriented. Rest of the world following the Immanuel Kant. So in this way you can link with the ethics. A particular topic you can link with the different part of the sub syllabus. ठीक है.